बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौजूद नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की एक नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और इसका टॉपिक है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपने बेटे को क्या नसीहत की। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, बहुत ही खूबसूरत वीडियो। इस वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको इस वीडियो से अंदाज़ा होगा कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की क्या तालीमात थी, ठीक है, जो कि हम यानी कि जिनको हम समझते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर साहब का जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसीयत में अपने बच्चे से कही। ग्यारहवीं देने वाले हैं लेकिन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की वसीयत और तालीमात को कितने लोग हैं जानते हो? ये जिन मकामात तक पहुंचे हैं वो किस चीज की बदौलत पहुंचे हैं? उन्होंने जो पैगाम दिया वो क्या था? ए मेरे बच्चे, जिस तरीके से कुरान मजीद में हजरत लुकमान की नसीहतें जो है नकल कर दी गई हैं, मैं ये अर्ज करूंगा बिलफर्ज अगर कुरान हजरत अब्दुल कादिर जिलानी के बाद नाजिल हुआ होता तो शेख अब्दुल कादिर की ये नसीहतें भी कुरान में दर्ज होती। इतनी ऊंची नसीहतें हैं। ए मेरे बच्चे, इस हकीकत को जहन नशीन कर ले, ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह। इस कायनात में न कोई फाइल हकीकी है न मुअस्सिर हकीकी है सिवाय अल्लाह। किसी शय में कोई तासीर नहीं अगर अल्लाह न चाहे। आग जला नहीं सकती अगर अल्लाह न चाहे। पानी डबो नहीं सकता अगर अल्लाह न चाहे। जहर हलाक नहीं कर सकता अगर अल्लाह न चाहे। कोई चीज फायदा नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह ना चाहे। तो दर दर पे क्यों सर झुकाते हो? दर दर पर क्यों जबीने जबी साई करते हो? सबके सामने क्यों हाथ फैलाते हो? एक अल्लाह से मांगो, एक अल्लाह के सामने जबीन सर पर जबीन पर अपनी जबीन रखो। ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिर इल्लल्लाह। नजर आता है हमें कि पानी प्यास बुझा देता है, प्यास बुझाने की सलाहियत पानी में नहीं है, अल्लाह के इज्न से। खाना भूख मिटा देता है, भूख मिटाने की सलाहियत खाने में नहीं है, इज्न रब